वकीलों का प्रदर्शन जो है वो जारी है। दिल्ली में 3 बड़ी अदालतें ठप है, साकेत, रोहिणी, पटियाला कोर्ट में कामकाज जो है बंद है। तो साकेत, रोहिणी, पटियाला कोर्ट में कामकाज जो है पूरी तरह से बंद है। दिल्ली की 3 बड़ी अदालत, ये 3 बड़ी अदालत है साकेत में, रोहिणी और पटियाला कोर्ट में कामकाज पूरी तरह से बंद है। जिस तरीके से कल देखा गया था कि पुलिस वाले किस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे, आज वकील जो है वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि कानून के जानकार, कानून के रखवाले ही अगर इस तरह से उन पर कार्रवाई होगी, कोर्ट के परिसर में उनके ऊपर गोली चलेगी, तो आखिरकार वो कहां सुरक्षित हैं। तो उन्होंने पुलिस वाले पर कार्रवाई की मांग की है कि जिस पुलिस ऑफिसर ने गोली चलाई उस पर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर वकीलों का आज धरना प्रदर्शन जो है वो जारी है। तो 3 बड़ी अदालतें ठप है। बार काउंसिल ने जिस तरह से आदेश भी जारी किया था और कहा भी था कि जिन वकीलों का नाम है जो धरना प्रदर्शन में है और जो इस तरह की हिंसा कर रहे हैं उनका नाम दिया जाए, और वकीलों से ये मांग भी की गई थी कि वो अपने अपने परिसर में लौटे, कोर्ट में लौटे और काम करें, लेकिन उन चीजों को अनसुना किया जा रहा है। और यहां पर अब वकील जो है, कल दिल्ली पुलिस और पुलिस वालों का दिन देख रहे थे, किस तरह से खाकी अपने लिए इंसाफ मांग रही थी, और आज हम तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से ये काला कोट, और कह सकते हैं कि किस तरह से अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं। जो लोगों को इंसाफ दिलाते हैं वो आज अपने लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। साकेत, रोहिणी और पटियाला कोर्ट में कामकाज जो है पूरी तरह से बंद है, और धीरे धीरे जो एक छोटा सा मामला था वो अब तूल पकड़ चुका है। और कल हमने देखा किस तरह से दिल्ली पुलिस मुख्यालय को घेर लिया था खुद पुलिस के जवानों ने, और वहां पर धरना प्रदर्शन 11 घंटे तक जारी था। साकेत कोर्ट में पब्लिक देख रहे हो, 10 से ज्यादा नहीं है, उन 10 में भी 5 पुलिस के एजेंट हैं जो इस स्ट्राइक को खराब करना चाहते हैं और अननेसेसरी हरकत कर रहे हैं। इनमें से मैं एक आदमी की तरफ इशारा कर रहा हूँ जिसने गेट तोड़ने की कोशिश की। आप उससे पूछिए आज उसका कौन सा केस लिस्टेड है यहाँ पे, आज उसका कौन सा केस लिस्टेड है, आप एक बार पूछे उससे। सिर्फ ये पुलिस के एजेंट्स हैं यहाँ पे जो इसके इस स्ट्राइक को खराब करना चाह रहे हैं। आप मुझे बताइए कि जिस लड़के को ये पॉइंट ऑफ कर रहे हैं, उस लड़के के बड़े भाई को क्या नाम बेल मिलनी थी आज, वो इसलिए परेशान है और कोई कारण नहीं। वो है ना लड़का, बुला लो। वकील साहब थोड़ा सा बाहर आके करते, पब्लिक परेशान हो गए। कौन मारता पब्लिक? पुलिस ने गोली मारी, मीडिया ने दिखाया। 2 पुलिस वाले सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में जहाँ जस्टिस सस्तानी आए थे ऑपरेशन के टाइम, मीडिया नहीं दिया। फिर आपके 1.5 घंटे के प्रोग्राम में एक बार भी आप लोग हिम्मत नहीं दिखाते सरकार के कहने से कि 2 वकीलों को पुलिस ने पहले गोली मारी फिर ये सारा हुआ। मीडिया पक्षपात कर रहा है, हमारी बात भी कहे, उनकी भी कहे, जनता को डिसाइड करने दे क्या हुआ। हम कह रहे हैं हमें आप 1.5 घंटे में एक लाइन बोल दो कि 2 वकीलों को भी गोली मारी गई और कमर के ऊपर, छाती में मारी, अंग्रेजों ने भी नहीं मारी, हमारी आजाद भारत की सरकार के नीचे काम करने वाली पुलिस ने आतंकवादियों को टांग में मारती है, वकीलों की छाती में मारती है। 1976 के इमरजेंसी से भी खतरनाक दौर है। सरकार ये सोचती है कि वो इंदिरा गांधी की तरह काम करेगी, इंदिरा गांधी की तरह वो काम नहीं कर पाएगी।